छह तारीख को भी इनपुट्स मिल रहे हैं कि हिंसा हो सकती है, और दूसरी तरफ ये लोग दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि इन लोगों ने किलेबंदी घेराबंदी ऐसे करती है जैसे पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर है। देखिए, पहले तो मैं दिल्ली पुलिस के साथ खड़ा हूँ, अगर वो दो चार गोलियां भी चला देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं मान के चलूंगा कि जिस तरह से उन्होंने हाथ जोड़ा, जिस तरह से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अगर वो गोली चलाएंगे तो किसी न किसी रीजन से ही चलाएंगे, या तो उनकी जान पे बात बन के आएगी या तो फिर वो देश के विरोध में बात बन के आएगी, तभी वो गोली चलाएंगे। दिल्ली पुलिस इतनी सहानुभूतियों के साथ, इतना अपना चरित्र अच्छी तरह से प्रमाण कर चुकी है कि आज उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। वही दिल्ली पुलिस अगर दो चार किसानों को मार दी होती तो आज पूरे देश में सब कहते कि नहीं, दिल्ली पुलिस ने कैसे मार दिया, अधिकार तो अमित शाह जी ने उनको दिया होगा। लेकिन आज जब वो हाथ पे हाथ रख के अपने दोनों पसली किसी के टूट गए, कौन सा ऐसा किसान है जो नशे में भूत तो के जाएगा, लड़कियों को छोड़ेगा, लड़की महिला कांस्टेबल को छेड़ेगा, कौन सा ऐसा किसान, कौन से माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा किसान है और जा तू लड़की को छेड़, जा तू महिलाओं को छेड़, कांस्टेबल को छेड़। वो फिर भी दिल्ली पुलिस ने अपना संयम दिखाया, अपना संयम बरकरार रखा और लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के बोला कि आप लोग वापस चले जाइए, और लास्ट में जब इनका नहीं हुआ सुनवाई, जब देखे कि लगातार ये लोग कब्जा करते जा रहे हैं, तब लाठी चार्ज किया, वो भी केवल उपद्रवियों पे, जो पीछे थे किसान अगर चाहते तो एक तरफ से पीटना सबको शुरू करते और लास्ट तक लेके जाते इनके इलाकों में, लेकिन ऐसा भी नहीं किया। तो उस दिल्ली पुलिस के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ, और अगर ये कांग्रेस नहीं जाते हैं, केजरीवाल जी नहीं जाते हैं, मनीष सिसोदिया नहीं जाते हैं, तो दिल्ली पुलिस का इसमें कोई इमेज नहीं घट रहा है, दिल्ली पुलिस की इमेज इसमें बढ़ रही है, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस है दिलवालों की, ये दिल्ली पुलिस दिलवालों की है, उनको किसी सत्ता से या किसी पैसे का लालच नहीं है, केजरीवाल जी को वोट चाहिए। उन्होंने साफ बोल दिया है कि जितने बांग्लादेशी अगर होंगे, मेरे एक कौन सा मुख्यमंत्री है जिसके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाने का वो नहीं है, मुख्यमंत्री बन कैसे गए, कहते हैं कि मैं नहीं दिखाऊंगा सीए एनआरसी में, मैं इसका विरोध करता हूं, क्यों, क्योंकि वहां पे जो बैठे थे वो बांग्लादेशी थे, उनके साथ थे। अब यहाँ पे जो किसान आंदोलन में बैठे हैं, जब इनको पता चल गया अभी तक किसान थे तो एक शब्द भी नहीं बोले, लेकिन जैसे ही इनको पता चल गया कि ये खालिस्तानी हैं, ये सरदार हैं, उनको किसान से मतलब नहीं था, लेकिन जैसे वो जाति पे बैठ गए, धर्म पे बैठ गए, वैसे ही इनको मतलब पड़ गया कि अरे वो तो मुझे वोट दे सकते हैं, इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो ये जो इनका केजरीवाल जी का रवैया है, ये कहीं ना कहीं लास्ट में इनको देखना कि गड्ढे में डुबोएगा जरूर, क्योंकि आप कितना भी बोलो, अगर देश के साथ खड़े हो और लाख कानून आप यहाँ पर कर लो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप देश के खिलाफ बोले, हमारे पुलिस प्रशासन के खिलाफ जाओगे, आप 300 बसें आज वापस मंगा रहे हो, कल को 3000 बसें सरकार हैंड टू हैंड खड़ी कर सकती है, लेकिन सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन आप 300 बसें मंगा के क्या अपना काम कर रहे हो, 300 से ज़्यादा बसें आपके डिपो में जाके खराब पड़ी हुई हैं, कई ऐसे जगहों पे मेट्रो से मैं जाता आता रहता हूँ तो कहीं ऐसे जगहों पे देखता हूँ जहाँ पे हजारों की संख्या में बसें, केवल नई बसें खराब पड़ी हुई हैं, किसी में 100 का काम होगा, किसी में 200 का काम होगा, इससे ज़्यादा का काम नहीं है, लेकिन वो भी नहीं करवा पा रहे हो और आप दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हो। तो ये जो मानसिकता है उसको ख़त्म करके एक देश के लिए सोचो, आप मुख्यमंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, इस बात की गरिमा बना के रखो और हमेशा लोगों के साथ चलो, सबके लोगों के साथ, ये मत देखो कि वो मुस्लिम है तो मैं उसको अलग से सब्सिडी दे दूं, वो जाट है तो उसको अलग से दे दूं, ऐसे नहीं, आप एक देश को, दिल्ली को लेके चलो। देखिए, ये जो आंदोलन चल रहा है ये यहाँ पे चल ही नहीं रहा है, इंडिया का ये आंदोलन है ही नहीं, ये आंदोलन टोटल विदेशों से ही चलाया जा रहा है और वहीं से इस ऑपरेटर को फंडिंग किया जा रहा है, वहीं से इसको चलाया जा रहा है, जो वहां से मैसेज आता है वही रूल ये लोग फॉलो करते हैं। जब देख लिए कि इंडिया के अंदर बैठे किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है या इनके ये जो थे इनके असली चेहरे वो सामने आ गए हैं लोगों के, तो इन्होंने नया एजेंडा लगा दिया कि बाहर के जो सिंगर हैं, जो एक्टर हैं, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ट्वीट करना शुरू कर दिए हैं और देश में एक माहौल अलग पैदा करना चाहते हैं कि इंडिया एक बेकार देश है, वहाँ पे लोगों की सुनवाई नहीं होती, वहाँ पे केवल लोगों का गला रेत दिया जाता है, लोकतंत्र की हत्या की जाती है। तो ये जो बाहर ये लोग साबित करना चाह रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि पहले अपने देश के अंदर झांक लो। इतने बड़े पॉप स्टार रिहाना जी जो हैं, बहुत इज्जत दिया जाता था उनको, पहली बात तो इंडिया में कोई जानता ही नहीं था उनको, बाहर के लोग जो इज्जत सम्मान देते थे उन्हीं की सरकार ने उनको कड़ी फटकार लगाई है कि आप बाहरी दूसरों के मुद्दों में बोलने की वो ना करें। कुछ दिन पहले अमेरिका में भी बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे, कई लोग मारे गए थे, आंदोलन बहुत बड़ा हुआ था, वहाँ पर सब लोग चुप थे। और रही बात इंडिया की, तो ये इंडिया का आंदोलन है, भारत के अंदर का मैटर है, ये भारत वाले अपने आप सुलझा लेंगे। अगर ये मोदी जी सुलझा नहीं सकते हैं तो आपको क्या लगता है कि बाहर कोई भी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कहने से वो सुलझ जाएगा? किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। आपको वो पैसे दे रहे हैं तो आप बोलो, आप पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, आप चीन के नारे लगाओ, आप जितने भी भारत विरोधी देश हैं आप उनके लिए उनके साथ खड़े रहो, क्योंकि उनका पैसा आप ले रहे हो, हम नहीं ले रहे हैं, इस चीज़ को हम नहीं सहेंगे। और दूसरी कि अगर ये लोग जिस समय ट्वीट किए,
बहुत सारे नेताओं ने, मैंने देखा बहुत सारे एक्टर ने इसका विरोध किया, लेकिन कई ऐसे कांग्रेस के नेता दिखे जो खुलेआम बोले कि नहीं वो सही किया उन्होंने। तो मैं उनके लिए बता दूं कि आप तो शुरू से हिंदू विरोधी रहे थे, आज देश विरोधी हो गए। आपने एक बात और देखी होगी, राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, आपको नहीं लगता कि इनकी यही साजिश थी कि दिल्ली पुलिस उन पर गोली चलाए, 20-30 किसान मारे जाए और फिर ये सरकार को बदनाम करे? देखिए ये हिटलर की सरकार नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि तुरंत 100-200 मार के इमरजेंसी लगा दिया जाए और सबको घरों में पैक कर दिया जाए। ये मोदी जी की सरकार है और यहाँ पे गोली, एक किसान अगर मर जाएगा तो उसका भी जवाब लिखित में देना पड़ेगा, जो गोली चलाएगा उसको भी, और जहाँ पे मरेगा उसकी भी इंक्वायरी होगी, CIB NIA जो भी लगना होगा उसका परिपूर्ण जाँच कराया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार अलग वेश में है, इसको कुर्सी से प्रेम नहीं है इस सरकार, हर सारे लोग देखता हूँ मैं कि कोई विरोध होने लगता है तो कुछ लोग साथ में चले जाते हैं, कानून वापिस हो जाता है, लेकिन इस सरकार को सत्ता का लालच नहीं है। देश अगर बचा रहेगा तो सत्ता वो फिर आएंगे जाएंगे, कुर्सी पे बैठने वालों की किसी एक की कुर्सी नहीं होती है, जो अच्छा काम करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो चला जाएगा। इन किसानों ने जो ये आंदोलन किया, अभी 26 तारीख से पहले सभी लोग कह रहे थे कि वो किसान है, हम लोग भी कह रहे थे कि चलिए किसान है, कुछ हो सकता है खालिस्तानी हो या कुछ देश विरोधी ताकतें हो सकती हैं, उसमें जाके कोई भी सीधा साधा बैठ जाएगा, वो अपना अंदर से पत्थर चलाएगा तो उसका मान्यता नहीं होता है। लेकिन 26 तारीख को अगर वो कुछ लोग थे खालिस्तानी या कुछ लोग आतंकवादी थे, उस कुछ लोगों की संख्या टोटल 1,00,000 थी, ITO पे अलग उनकी संख्या 10,000-20,000 थी, लाल किले पे अलग 40,000-50,000 थे, उसके बाद जितने भी दिल्ली के बॉर्डरों पे तोड़फोड़ हुआ अगर इनकी संख्या मिलाई जाए तो टोटल ये 1,50,000 के लमसम थे जो उग्रवादी थे। और ये अगर 1,50,000 पे उग्रवादी हैं तो टोटल वहाँ पे किसानों की संख्या ही कितनी है, हम कैसे मान लें कि ये कौन थे? अभी तक तो हम इनके साथ ही खड़े थे, हम तो कह रहे थे कि भैया कोई बात नहीं, हमें जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है इनको अच्छी तरह समझ में आ रहा हो, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब ये हक की लड़ाई नहीं है, अब ये देश विरोधी लड़ाई है। आप जिस आंदोलन जिस चक्कर में बैठे हुए हो, कल को क्या गारंटी है कि ये बिल अगर वापस हो जाता है तो CA NRC वाले दोबारा नहीं बैठेंगे? फिर तो ये देश अलग ही मुद्दे पे चला जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा कि आपने हिंदुओं की बात तो सुन ली लेकिन मुसलमान इतने दिन से बैठे थे आपने उनको मार के उठा दिया। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े साजिश की प्लानिंग हो रही है इनकी कि किसी भी तरह भारत में दंगा हो, किसी भी तरह दिल्ली को कब्जे में लिया जाए, यहाँ पे तोड़फोड़ हो, दो चार इधर से मरे, दो चार उधर से मरे, वो तो चाह रहे हैं, कोई भी किसान नेता ये नहीं चाहता कि मेरे बंदे ना मरे, वो खुलेआम चाहते हैं कि मेरे एक आध दो बंदे मरेंगे तभी तो मैं राजनीति करूँगा। राकेश टिकैत आज जो इतना बड़ा नेता बन के बैठा है, 9,000-10,000 वोट भी नहीं मिला उसको अपने क्षेत्र में विधानसभा के, तो जो बंदा अपने क्षेत्र में नहीं जाना जाता था आज उसको पूरा भारत जान रहा है, किस लिए? केवल ये भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे की वजह से ना, यही ऐसा नेता था जिसने खुल के बोला कि अरे कौन सा पुलिस वाला आएगा मैं तो देख लूंगा उसको, अब गिरगिट की तरह रोना शुरू कर दिया उसने, उस ड्रामे इन लोगों के जितने हैं ये खत्म ही होने वाले नहीं है। ये आंदोलन पहले उन्होंने बोला कि किसानों का है कोई बात नहीं, देश ने फिर उसको बोला कि ये खालिस्तानियों का है, उनकी हरकतें देखने के बाद, देश विरोधी नारे तोड़ने के बाद, अब उसके बाद कुछ दिन 26 तारीख के बाद वो आंदोलन 2 दिन चला पंजाबियों के ऊपर, वहाँ पे खूब पंजाबियों का भाई पंजाबियों का सम्मान करो ये है वो है, तो ये आंदोलन 3 हो गया, किसानों का, खालिस्तानियों का, उसके बाद पंजाबियों का हो गया। उसके बाद जब देखे कि फिर भी लोग वापस जा रहे हैं, कोई समर्थन नहीं कर रहा है, तो अब ये आंदोलन हो गया जाट समुदाय का, अब ये आंदोलन जाट समुदाय का हो गया, वही जाट समुदाय आज उसके साथ खड़ा है, उस बंदे के साथ जिसने खुलेआम बोला था कि आप जाट बिरादरियों से सामान लेना बंद कर दो, ये लोग भूखे मर जाएंगे। आज वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे के साथ मंच साझा कर रहे हैं और खुल के वहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे लगे हैं। तो ये जो इनकी एकता है ये केवल देश विरोधी जितनी भी है, मैं कह रहा हूँ कोई एक देश हित के कानून पे कभी धरने पे बैठे तो मैं भी उसके साथ बैठूंगा, मैं क्या पूरी सरकार उनके साथ बैठेगी, आप बैठो तो सही। यहाँ पे आंदोलन होता किस लिए है? CA NRC लागू नहीं होने देने हैं, जनगण मनगण राष्ट्रगान कैसे गा रहे हो भैया तुम लोग, ये नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो देश हित की बात करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, आप किसान रहो या आम पब्लिक रहो या नागरिक कुछ भी रहो कहीं के भी रहो, लेकिन अगर देश के साथ खड़े हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये इसमें इस आंदोलन में किसानों का जो आंदोलन है पहले किसानों का था ना, ये राजनीति का, अब ये समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी है इसमें, कांग्रेस है, यहाँ तक कि जिसकी कोई पार्टी नहीं है, जो केवल एक मुस्लिम होते हुए भी अपना नाम बदल के चंद्रशेखर रावण रख के वो SC ST का जो अलग से फ़ायदा उठा रहा है वो भी वहाँ पे जाके अपना सर पटक चुका है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, उसकी कोई पार्टी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जितने भी मोदी विरोधी थे या जो देश के ताकतों के साथ नहीं खड़े थे, जो शुरू से उनको लगा था कि बस मोदी को किसी तरह कुर्सी से हटाओ, उसके लिए भले ही
मुझे अपना 2-3 राज्य अलग देश घोषित करना पड़ जाए। अगर कल को एक और डिमांड रखा जाएगा इन्हीं लोगों के द्वारा जितने भी घुसपैठिए हैं कि हमें एक अलग से देश दे दो, और भाजपा वाले कहेंगे कि नहीं हम देश नहीं देंगे, हम भारत के टुकड़े नहीं करेंगे, तो भी ये विपक्ष वहीं पे खड़ा रहेगा, कहेगा कि नहीं आपको टुकड़े करने पड़ेंगे, आप यहीं धरने बैठो हम तुम्हारे साथ हैं। तो विपक्ष का यहाँ पे रोल एकदम खत्म हो चुका है। विपक्ष में ये होता है बाहरों के जिस देश से इन लोगों का समर्थन आ रहा है, एक बार वहाँ के विपक्ष को ये लोग सुने, एक बार वहाँ पे जाके वहाँ के संसद भवन में बैठें, कि दूसरा कहेगा कि नहीं शिक्षा पे 100 करोड़ खर्च करूँगा, तो विपक्ष वहाँ पे कहता है कि 100 करोड़ क्यों, आप 200 करोड़ खर्च कीजिए। वो विपक्ष का काम होता है कि आपके पास पैसे क्यों नहीं है, ये सवाल जवाबदेही अगर होता है तो विपक्ष कहलाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये सारे के सारे एक तरह से आतंकवादी साबित हो रहे हैं, और खुल के कांग्रेस ने खुल के बोल ही दिया कि जितने राम भक्त हैं दारू पी लेते हैं मंदिर के पैसे से, बोला है उसने खुद का बयान। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि नहीं जो बाहर से ट्वीट आ रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लोग खुल के समर्थन भी कर रहे हैं, और हम ही लोग उनको जब वो प्रचार करने जाते हैं, आज प्रियंका वाड्रा की जो रैली गई रामपुर, वो 100 गाड़ी से 800-900 गाड़ी हो गई। कैसे हो गई, उसमें हिंदू नहीं थे कोई, उसमें कोई अपने देवी देवताओं को मानने वाला नहीं था। वो अपने पैसे के लिए केवल ईमान धर्म बेच सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जो मेरे नेता मेरे देश के खिलाफ बोलेगा, जो मेरे धर्म के खिलाफ बोलेगा, मैं उसके साथ कभी नहीं जाऊँगा। वो मेरे को 1000 रुपये दे, 5000 दे, 10000 दे, मुझे नहीं मतलब है, क्योंकि मुझे अपने देश और अपने धर्म के लिए लड़ना है। लेकिन वो 800 गाड़ी में मुझे लगता है कि 700 गाड़ियाँ हिंदुओं की होंगी, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा अपने धर्म के लिए लड़ो, अपने देश के लिए लड़ो। सरकारें तो बहुत आएंगी जाएंगी, प्रियंका गांधी वहाँ पर एक भी सीट नहीं जीतेगी, मेहनत भले ही कितनी कर ले। अच्छा, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि जो दंगा कराया वो बीजेपी के लोगों ने कराया, लेकिन जब बारी आती है तो कांग्रेस 70 वकीलों की टीम खड़ी कर देती है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जब 26 तारीख को ये हुआ, उसमें सब ने बोला कि नहीं भाजपा वालों ने दंगा करवाया, भाजपा वालों ने, दिल्ली पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाया। चलिए ठीक है, दिल्ली पुलिस ने गोली नहीं चलाया, एक अपना समझदारी दिखाया उन्होंने, क्योंकि आप तो चाहते थे कि जैसे 1984 में दंगे करवाए, सिखों को मरवा दिया, वैसे ही मोदी सरकार भी करे, वैसा नहीं करेगी। आपने 1962 में साधु संतों के ऊपर गोली चलवाई, वो भी भाजपा नहीं करेगी। लेकिन जब वो पकड़े गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तब क्यों ये तिल मिला रहे हैं। इसी राकेश टिकैत का बयान था कि जितने भी दंगाई हैं आप उनको पकड़ो, आप उनको जेल में डाल दो, आप पकड़ क्यों नहीं रहे हो, आप उनको छोड़ क्यों रहे हो। अब जब वही कार्रवाई शुरू हो गई, तो वही राकेश टिकैत कह रहा है कि पहले भाई उनको छोड़ो, तभी हमारी अपने शर्त लग दिया उसने, अपने मांग में लिख दिया कि नहीं जितने भी किसान पकड़े गए उनको छोड़ो। अब वो किसान कहाँ से हो गए, अभी तक तो तुम कह रहे थे कि वो भाजपा के हैं, जब भाजपा के नहीं निकले तो तुम कह रहे थे अरे वो उग्रवादी हैं, उनपे गोली क्यों नहीं चलाई। जब वो उग्रवादी भी नहीं निकले, अब वो तुम कह रहे हो कि वो किसान है, हम कैसे मान ले। कनाडा का अमेरिका का बंदा यहाँ पे किसानी कैसे कर सकता है। अच्छा, आपने एक बात और देखी होगी, 26 तारीख के बाद जो आंदोलन ऐसे लग रहा था खत्म हो जाएगा, जो राकेश टिकैत के भाई है नरेश टिकैत वो भी कह चुके थे कि आंदोलन खत्म होने वाला है, लेकिन उसके बाद जैसे राकेश टिकैत का रोना धोना होता है, पब्लिक शुरू हो जाती है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय इनके आकाओं के निर्देश इनको मिल रहे हैं कि आंदोलन को आगे तक चलाना है। देखिए, इस आंदोलन को जितने भी इन लोगों के पास पैसे हैं, जितनी भी फंडिंग है, जितनी भी ताकतें हैं, PFI हो, SFJ हो, चाहे जितनी भी सरकार, कांग्रेस हो, कितनी भी सरकारी फंडिंग जितनी भी मिलती होगी, ये सारा का सारा उस आंदोलन में लगा देंगे। लेकिन कोई ये नहीं चाहेगा कि इस आंदोलन को ख़त्म करो, क्योंकि एक यही आंदोलन इनका जरिया बचा हुआ है कि आज अगर यहाँ पर सरकार झुकी तो ये लोग सरकार हमेशा एक तरीका बना लेंगे सरकार को झुकाने का। और अगर यहाँ से इस कठिन दौर से सरकार अगर यहाँ से आगे निकल जाती है, तो फिर किसी की इतनी ताकत नहीं है कि आगे आने वाले बिलों में ये ऐसा धरना प्रदर्शन करें, क्योंकि इनको मालूम है कि आगे जो बैठे है वो किसी सत्ता के लालच में नहीं, वो आगे बैठने वाला एक देश की ताकत है जिसको जनता ने ही चुन के भेजा है, वो कभी झुकने वाला नहीं है। और ये देश विरोधी जो बातें करते हैं ये लोग, वहाँ पे जो पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान के झंडे दिखाते हैं, लाल झंडे दिखाते हैं, लेकिन तिरंगा जो 26 तारीख को दिखाने के बाद भी उसको जमीन पे फेंका, तो ये कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता दर्शाता है कि अगर आप किसान थे तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन आप किसान नहीं हो, आप देश के विरोध में हो, देश की ताकतों के, देश के सेना के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मार रहे हो। जो पुलिस वाले, एक आम पब्लिक सीनियर अगर मैं देखूं, आम पब्लिक हूँ और किसी पुलिस वाले को मैं मार रहा हूँ, और अगर वो मेरे सामने हाथ, कोई आम पब्लिक, पुलिस वाला भी नहीं, अगर किसी आम पब्लिक को भी मार रहा हूँ और वो मेरे सामने हाथ जोड़ दे, तो मेरे आंखों में आंसू आ जाएगा, दया आ जाएगा कि मैं नहीं रहने दो यार, मैं इसको क्यों मार रहा हूँ, भले ही उसकी गलती है। लेकिन वहाँ पर निहत्थे पुलिस वालों को बिना गलती के वो लोग दौड़ा दौड़ा के मारे, तो वो एक किसान नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसान 70% किसान है। किसानों का परिभाषा ये लोग जो देते हैं, मैं खुद किसान हूँ, ये मुझसे बड़े किसान कैसे हो सकते हैं।
क्या जानकारी इनको किसानों के बारे में? किसान का नाम बदनाम कर रहे हैं बस, कि जय जवान जय किसान, जय उन्हीं जवानों के ऊपर मार रहे हो, लाठियां चला रहे हो, तलवारें चला रहे हो, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए थे? तो ये जो इनका ड्रामा है, ये सोशल मीडिया के थ्रू जो सबके चैनलों पर दिखाया गया, 26 तारीख को सब जान गए कि वहाँ पे बैठे किसान नहीं हैं।